एवन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने हथीन में एक बड़ी विजय संकल्प रैली की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव देशभक्ति की भावना रखने वाले लोगों और देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोगों के बीच में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि अगर बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीत लेती है तो देश का संविधान बदलकर रख देगी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि संविधान निर्माता डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने देश को मजबूत करने के लिए ये संविधान बनाया है, जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ये चुनाव एक प्रकार का देश के लगाव के प्रति जिन लोगों की देश प्रेम की भावना है और जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, ऐसे लोगों का युद्ध है, चुनावी युद्ध है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, एक तरफ कौरव थे एक तरफ पांडव थे, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ इसलिए दिया था कि न्याय चाहिए, हमें जीत चाहिए, तो सत्य की जीत चाहिए, ना झूठ चलेगा ना अन्याय चलेगा। तो ऐसा ही ये देशभक्ति और देश के विरोधी ताकतें, इनके बीच में चुनाव है। और जो देश विरोधी लोग होते हैं वो अपने बहुत प्रकार के हथकंडे ये अपनाते हैं, अपने अपने तरीके से साफ सुथरे विचारों से राजनीति कोई करे तो फिर तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई हथकंडे उठाने पर आ जाए तो कांग्रेस के हथकंडे उनकी अफवाहें हैं। वो अफवाहें फैलाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। एक बात बड़ी अजीब जो सुनने को मिली कि भाई सरकार तो 272 सीटों से ही बन जाएगी, तो मोदी जी 400 सीटों की बात क्यों करते हैं? अब ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इसका पहला मतलब तो ये है कि 272 की बात सरकार बनाने के बाद तो मान रहे हैं, लेकिन 400 क्यों मिलेगी, इसके ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं और कहते क्या है कि ये 400 ले गए, अफवाह फैला रहे हैं कि 400 ले गए तो देश का संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। मोदी जी ने कह दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था दोबारा से जन्म लेके आ जाए तो इस देश में कोई भी, अगर वो भी कहेंगे तब भी संविधान नहीं बदला जा सकता, तो नहीं बदला जा सकता। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।